ये फाइनल है ना भाई। इस लाइट का तकड़ा जुगाड़ हो रहा है और नीचे वाली लाइट का तकड़ा जुगाड़ कर रहे हैं कुछ अलग। इसकी क्या पड़ रही है डब्बी देख ले भाई, अगर जिसको पता होगा किस चीज की डब्बी है वो समझ गए होंगे, जो अभी तक नहीं समझे उसे भाई हम बाद में दिखाएंगे कि क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। काफी दिनों बाद भाई पहले बत्ती जला लेता हूँ। काफी दिनों बाद भाई आज ब्लॉग स्टार्ट करा हमने, कम से कम ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अंदर करती ब्लॉग, तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही है। तो भाई आगे अपनी बुलेट के पास ये पड़ी ऐसी गंदी की गंदी, क्योंकि भाई कहीं घूमने गए नहीं हम, ना घर से बाहर निकले, खाली काम पे जा रहे और काम से सीधा घर से। बस संडे को जाया करते थे क्रिकेट खेलने, तो खेलना तो क्योंकि ज़रूरी है। बाकी यार निकले हैं भाई काफ़ी टाइम में, तो महीने बाद ही मैं निकल रहा हूँ, गुरुद्वारे के लिए निकल रहे हैं। तो पहले इसके साफ करते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि गर्मी भी भाई बहुत हो रही है। फ़ोन भी चार्ज नहीं हो रहे, इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में इस टाइम पर भाई। 80% होती है मोबाइल की आईफोन की चार्जिंग, सैमसंग तो कर देता फुल, पर लेकिन आईफोन चार्ज नहीं करता भाई। आईफोन 80% रुक जाता, जब तक ये सीन चलेगा तब तक भाई ये 80 से ऊपर जाएगा नहीं। इतनी गर्मी पड़ रही है, सोचो कितनी गर्मी पड़ रही है भाई। घर से निकलने का मन ही नहीं करता दोपहर को, तो ना ही है एक तरीके का कि घर से निकलो ही मत अपना। अगर कोई काम है तो निकलो जरूर, वरना तो कोई भाई निकलो ही मत। तो हम साफ करते हैं फिर निकलते हैं, तो आपको दिखाते हैं बाकी आज क्या क्या करते हैं। और भाई जा कपड़ा इंदा वहाँ वहाँ कम गंदी है, और बाकी तो भाई बहुत गंदी हो रखी है। और टायर देखो, टायर के ऊपर मिट्टी कितनी चढ़ी हुई है, क्योंकि भाई ये देखो लोहे वगैरह कितने गंदे हैं। मैं क्योंकि भाई मैं रील बनाने गया था, उसके बाद एक बार ही एक संडे पिछले संडे रील बनाने गया था, तो मिट्टी के ग्राउंड में गए थे। वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे जो बंदा फॉलो करता होगा उन्होंने देखा होगा रील वगैरह देखी होगी। जो नहीं फॉलो करते भाई यहाँ पे नाम आ रहा होगा, फॉलो कर लेना, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे डेली रहते हैं। यूट्यूब पे भले डेली ना रहे और इंस्टाग्राम पे हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं रील वगैरह। तो ये तब की गंदी हो रखी है, अब इसे साफ करते हैं, एकदम बढ़िया चमकाते हैं और लेके चलते हैं अपना बढ़िया सा, और आपको आवाज़ सुनाते हैं। काफ़ी टाइम से लोगों ने आवाज़ भी नहीं सुनी हुई, एक महीना हो गया है। बाकी चेंजिंग हमने कुछ नहीं कराई इसमें, वैसी की वैसी जैसे पहले रखी हुई थी, कुछ हमने ऐड नहीं करा इसमें, ये भी वैसी नॉर्मल है। क्योंकि गर्मी है, क्योंकि बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो फटाफट से ऐसे करते हैं आप साफ, उसके बाद निकलते हैं सीधा फटाफट से। यो भाई जितनी साफ हो सकती थी कर ली है, और भाई गद्दी भी कितनी ख़राब हो गई यार इसकी, यहाँ पे इतना बड़ा छेद हो गया है। ये सारे बिल्ली के काम है भाई, चादर के अंदर आके बैठ जाती है और नुकसान कर देती है भाई। जा मिट्टी साफ नहीं हुई, ये तो भाई धुलवानी पड़ेगी, होगी खतरनाक हमने, क्योंकि उस टाइम रीले बनाई थी मिट्टी के अंदर। अब करते हैं भाई इसमें पहला स्टार्ट। और भाई हमने सिलेंसर भी पुराना ही रखा है, इसे गर्म करता हूँ पहले थोड़ी, वो तो 2 सेकंड में जाएगी, क्योंकि बैंड पाइप लगा हुआ है हमारा सी। सिलेंसर भी हमने चेंज नहीं करा, क्योंकि इसमें ना लुक एकदम लंबी लगती है बुलेट, तो लुक बढ़िया लगती है, इस करके हमने ये सिलेंसर रखा हुआ है। बाकी अपने बंदे आ नहीं रहे, एक भाई एक के पेपर चल रहे हैं, एक घूमने गया हुआ है, एक के भाई वो चुप पड़ गई है, तो सब बैठे हैं घर पर अपना। अभी एक भाई आ रहा है तो उसके साथ निकलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसे गर्म करते हैं। जब तक वो आ रहा है 5 मिनट कह रहा है वो आने के, तब तक इसे स्टार्ट करते हैं। Thank you.
चल वीडियो चल 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 अब काम लगा अब लगा लगाना एक बार और ट्राई कर ले चल तू ट्राई कर ले ये तो हाथी है लेकिन जानी यही लगाना क्या हो गया डबल डबल लगा डबल लग गया हमें नहीं लगेगी भाई ये भारी बहुत है ट्रैक्टर से लगी चार बार ट्राई कर लिया अरे साइड है सारे चल तो भाई फाइनली हमने घर आ गए भाई बड़े टाइम बाद गया हूँ गुरुद्वारे में मजा आ गया और संगत भी भाई बहुत खूब थी हम तो बहुत लेट हो गए थे संगत बहुत ज्यादा थी वेग निकल गया बच गया भाई नहीं तो निकल जाता पैर वाला वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आप देख रहे हैं अंदर वर्दी व्लॉग तो भाई अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले हैं तो आज भाई अपनी बुलेट का काम हो रहा है इस पर न्यू कस्टमाइज करा जा रही है लाइटिंग ये अभी चेक हो रही है यहाँ पे इसमें चाबी तो ऑन है भाई इसमें एक तगड़ी चीज़ करवाने वाले हैं पहले पंखा चला लेते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में चाबी बंद करो अभी भी डायरेक्ट हो रही है भाई थोड़ा शोर आएगा पंखा का वो कर लेना यार मैनेज क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही है नहीं तो हम घर के पीछे करते थे आपने देखी होगी जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने पार्किंग में बुला लिया इसे क्योंकि यहाँ पे लगे हुए दो दो पंखे मस्त हवा में करेंगे बंद करो ऑन करो बंद करो ऑन करो सही है यही है मोड बदल रहे हैं अच्छा तो मतलब ये फाइनल है ना भाई इस लाइट का तकड़ा जुगाड़ हो रहा है और निचली लाइट का तकड़ा जुगाड़ कर रहे हैं कुछ अलग काफ़ी टाइम बाद और काफ़ी बंदों का भाई डिमांड भी आ रही है कि व्लॉग नहीं डाल रहे भाई गर्मी इतनी है व्लॉग इस करके बना भी नहीं रहे घर से बाहर नहीं निकल रहे बाकी वो अपना काम चल रहा तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं आपको दिखा देंगे पर ये पंखे हैं भाई इसी कैब पर कर देते हैं ये बंदे वॉच कर रहे हैं नहीं ये नीचे है ना पंखा इसका इसकी क्या पड़ रही है तोड़ दो भाई हो ये तो और आवाज करेगा यार चलाइए चलाइए एक बारी दूसरे वाला बंद हो गई अबे वो आवाज बंद होगी भाई भाई इसका यही उतर के बताओ अब उसकी आवाज आ रही है थोड़ी बहुत और उसकी चलेगी चलेगी अब तो आवाज बंद होगी ऊपर से पेड़ आ गया ना उसका भाई ये डब्बी देख ले भाई अगर जिसको पता होगा ये किस चीज़ की डब्बी है वो समझ गए होंगे जो अभी तक नहीं समझे उसे भाई हम बाद में दिखाएंगे कि क्या है तार काटनी है हैं टेप कहाँ भाई टेप टेप
उसकी लाल वाली टेप भी उतार दी है, ये वाली, ये अलग सी दिखाई देती है भाई पूरी। ओ ये लगी है ना एक भाई, अलग सी दिखाई देती है, तारों को गुच्छा भी तो इतना हो रहा है भाई। ये देख के करियो, यहाँ से तार ना टूट जाए, तार ये खराब हो जाएगी फिर लाइट फिर नई लाइट लगानी पड़ेगी। देख के निकाल दियो, पता लगे लग जाए, तू पकड़ के रखना खींचता हूँ। इसका भी तो पता ही लग रहा, यहाँ से पकड़ना रुको ना, ऐसे कर लेता हूँ। पता नहीं किसने करा ये, इसकी वो भी नहीं कर सकते ना यार हम, अबे ये वाली उतार के तो काली लगा सकते हैं, वही लगा देंगे। हाँ क्योंकि ये भाई लाल लाल बहुत बेकार लगती है। अरे क्या हुआ, अच्छा कंपनी की वो आती है लगती है मेरे ख्याल से, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या चीज़ है, कोई क्रीम टाइप में है, तुम तो देखो क्रीम जैसी वो आ रही जो होती है बाइक में, फेविकोल है, फेविकोल वो लगाई होगी ना कि लीक वगैरह ना हो, क्या लीक वगैरह ना हो सर के लगाई होगी, लीक पानी पुलना चल जाए ना इसमें, अच्छा जंग वंग ना लगे। हाँ चलो भाई जैसे जैसे काम करते हैं आपको वैसे वैसे दिखाते हैं, तब तक आप चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ये काम हुआ है और चाहिए दूसरी वाली, बढ़िया लग रहा है ना, भी तो करनी है भाई, वाइब्रेशन देखो कितनी कर रहे हैं वो वाला ज्यादा हो रहा है अब रेस धीरे हो जाएगी ना, सेट हो जाएगा। अब नहीं लेंगे, देख ये एंड पॉइंट, अब नहीं हिलने चाहिए। तार सी लगी है ना वो देख लियो, पता लगे फिर हिल जाए, 10 बार तो हिल चुकी है, बैटरी लो थी। भाई अब रेस कम कर दिया, देखो अब नहीं हिल रहा, ओके रिपोर्ट भाई, ओके रिपोर्ट, अब नीचे वाले का जुगाड़ करना है। नीचे वाली तो चेन कर दोबारा, इसमें धीरे चल रहा है पर और दूसरा डिजाइन करना, इधर उधर वाला करियो, इधर उधर वाला
सही लग रहा है यार ये। नीचे वाली की ना, नीचे वाली दूसरी लाइट लगाएंगे इस पे जो डार्क वाली है। चल बढ़िया है, बैटरी लो है क्या पता इस करके हो रही हो, बैटरी भी चार्ज हो रही है भाई, साथ साथ चालू करके रखी हुई है हमने। और ये वाली ऊपर वाली स्टील ऐसी चलती रहेगी बढ़िया अपनी। टेप ही लगा दो सब पे जो जैसे पहले लगाई थी ना हमने, अटकाने के लिए सही है मतलब गिरे ना। इसके ऊपर भी टेप ही लगा दियो लोहे के ऊपर है ना, जैसे पहले लगाई थी ना वो रही ऊपर बढ़ी है भाई। खामा का रिस्क क्या लेना भाई, वैसी बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज है हमारी। बैटरी तो इतनी चार्ज है कि वैसा हॉर्न भी चलते इसके, देख हॉर्न चलाऊंगा देख। वैसे भी नहीं चलते, कुछ नहीं चलता भाई हॉर्न, हॉर्न जब तक बुलेट नहीं चलाऊंगा ना तेज दूर तक तब तक हॉर्न नहीं चलते मेरे। भाई मौसम चेक करो कितना तगड़ा हो गया है, और आंधी चल रही है फुल दबा के, पेड़ बूढ़ गए देखो रोड पे एकदम मस्त मौसम। ये देखो कहाँ घुस रहा है, फोन पे लगा ऊपर से आगे लिए। भाई यार क्या मस्त मौसम हो रहा है भाई कसम से, मिट्टी मिट्टी उड़ रही है भाई फुल डिस्टर्ब दिल्ली में। अभी मैं उसको छोड़ रही आया था तो उसको मैं लेकर आया था भाई, कम देखो कितना कितना फैल गया, आंधी चलती है भाई इतना कितना फैल जाता गलियों में रोडों पे। मस्त मौसम हो रहा है यार कसम से, फुल मिट्टी। अब भाई वो बेल्ट लेने जा रहा हूँ, बैटरी में जो बेल्ट लगती है ना भाई वो बेल्ट तोड़ दी उसने, तो बेल्ट लेनी पड़ेगी। अब बेल्ट लेने जा रहा हूँ, बेल्ट लगाऊंगा क्योंकि अभी तो रस्सी बांध दी उस पे बैटरी पे और वो तो रस्सी की काम नहीं करेगी इसलिए बेल्ट लगानी पड़ेगी। बेल्ट मिल भी नहीं रही दो जगह से पूछ ली है, वहाँ जा रहा हूँ पूछने के लिए। जाम भी इतना होता भाई यहाँ पे, बस से जाम कर देती है खड़ी खड़ी। भाई घर आ गए हैं, बेल्ट तीसरी दुकान पे मिल रही है भाई, यहाँ पे मिलेगी भी नहीं, बाकी अब देखना पड़ेगा चलाने से पहले दोबारा कि भाई बैटरी हिलना जाए, क्योंकि हिल जाएगी तो भाई नुकसान हो जाएगा क्योंकि करंट वगैरह का डर होगा, तो ट्राई करना पड़ेगा भाई कहीं और जगह, नहीं मिली तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बैटरी हिलेगी ना भी रस्सी टाइट भी नहीं करी उसको खोल के टाइट भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर से आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाना, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।